बहुत सारे विचार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 9 विभागों में बांटा है। हमारा संकल्प पत्र कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार, ये 9 मुद्दों में हमने इस हमारे संकल्प पत्र को बांटा है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा बनने वाली सरकार भाजपा सरकार देगी। सरकार अभी जो सरकार है, चाहे वो सपा की है बसपा की हो, भाजपा की सरकार जाने के बाद किसान का धान किसी ने नहीं खरीदा। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं मित्रों कि 1-1 किलो उन्होंने अपनी जमीन से पकाया हुआ धान उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन मूल्य से 100% खरीद कर लेगी। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा करते हैं। सभी लड़कियों को अहल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सभी लड़कों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और अगर 50% से ज्यादा मार्क लाते हैं तो लड़कों को भी 50% से ज्यादा मार्क लाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। हर कॉलेज में इंजीनियरिंग या तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा नई सरकार की ओर से दी जाएगी। गरीब कल्याण कार्ड के जरिए 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए 6 लाख तक का आवासीय ऋण रियायती दरों से सरकार की ओर से दिया जाएगा। मित्रों, प्रदेश के हर घर में हम 5 साल के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का वचन उत्तर प्रदेश की जनता को देते हैं। बेटी कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000, 8 में पहुंचने पर 5,000, 10 में पहुंचने पर 7,000 और 12 में पहुंचने पर 8,000 दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर उसको 2 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा।